दोस्तों बने रहना हमारे साथ। हम लोग जा रहे हैं अभी नागेश्वर महादेव मंदिर, द्वारका से 20 किलोमीटर की दूरी है, तो बने रहना हमारे साथ। जय नागेश्वर महादेव, हम अभी पहुंचने वाले हैं। अभी सामने दिख रहा है ना नागेश्वर महादेव की प्रतिमा, देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं, सिर्फ दो किलोमीटर ही आगे है। शिवशंकर महादेव, निरंजन निराकार, भजन मा अविनाशी, सही है ना? सही। नागेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ भी है, देखिए इसका दर्शन दुर्लभ। पश्चिम की ओर मुख है शिव जी का, पास में एक मंदिर भी दिखता है। अभी हम लोग करीब 1 किलोमीटर दूरी पे है, वहां जाके भी आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए और अपना अपना मोबाइल से ऑन रखिए, ऑफ मत करना। नागेश्वर सामाजिक वनीकरण रेंज द्वारका, नागेश्वर नाम से यहाँ वन आया है। देखो नागेश्वर वन, 15 किलोमीटर तक कुछ ऐसा जगह और ऐसी रोशनी और ऐसी रणियामणी कोई जगह नहीं आई, हम लोग ऐसा आया। पूरा वीरान में घूमते ऐसा लगता था, लेकिन अभी बाबा का दर्शन के बाद थोड़ा हमको भी थोड़ी ऐसी हुई, नहीं तो हम लोग ऐसे बैठे आते थे कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जय भोलेनाथ, शिव जी के दर्शन के बाद थोड़ा एनर्जी आया। और अभी हम लोग यहाँ से राइट एंड पे मुड़ेंगे साजन, गैया जा रही आगे। यहाँ सामने पहले ये गेट, नागेश्वर महादेव मंदिर, अभी हम एंट्री कर चुके हैं अंदर। वैसे वो फोर व्हील का पैसा लेता है पार्किंग, यहाँ पे गोपी तालाब, बेट द्वारका, नागेश्वर मंदिर, पार्किंग। अभी हम पहुंच चुके हैं, देखिए दर्शन कीजिए अभी नागेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ रख दो आगे जाने का, आगे जा दो। ये उसे पार्किंग ही है ना, वो गाड़ी पड़ी वहां तो नहीं जाए। हाय, जय माता जी, जय नागेश्वर महादेव। हम लोग अभी नागेश्वर के मंदिर पहुंच चुके हैं और पहला मंदिर है जो शिव जी का, नागेश्वर महादेव का, वहीं पे है ना राजन? नागेश्वर बाबा के मंदिर के अंदर का ये हम लोग थोड़ा बहुत शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर मना है ज्यादातर, इसलिए बाहर का उसका जो पटांगण है सामने उसके अंदर हम थोड़ा शूट कर रहे हैं। थोड़ा इधर जाएंगे, देखो दिखाओ ये सामने, हाँ ये सब मंदिर का आंगन है बाबा का। हाँ, वो बड़ा झूमर लगा हुआ है, लाइट उसके अंदर लाइटें हैं। ये जो हम लोगों ने अभी दिखाया, हमारे यहाँ पे फोटो लगी हुई है गुलशन कुमार की ना, गुलशन कुमार ने बनाया हुआ है। यहाँ पे श्रद्धालु थोड़ा कम है आज, जो हर टाइम नहीं होते हैं ऐसा। यहाँ से द्वादश ज्योतिर्लिंग द्वारका वन, श्री नागेश्वर महादेव यहाँ पे सामने है। हम मंदिर का जो द्वार के बिल्कुल सामने खड़े हैं, यहाँ पे श्रद्धालु की थोड़ी चहल पहल है, बहुत तो नहीं है। यहाँ पे सामने नंदी है,
ये लोग सब नंदी को ये कुछ न कुछ बोल रहे हैं के कान के अंदर जो अपने क्या मांगते हैं ना। देखिए हम भी कुछ न कुछ मांगेंगे, हम मांगेंगे अपनी दोस्ती, लाइफ टाइम दोस्ती रहे ऐसा मांगेंगे। जय श्री कृष्ण, जय नंदी बाबा, हम लोग लाइफ टाइम साथ में रहे। हाँ इसमें बोलेंगे तो सुनाई देगा। हाँ सही है सही, हमारी दोस्ती सलामत रहे और जिंदगी भर एंजॉय करते रहे और अच्छे कार्य करते रहे। और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, नागेश्वर महादेव, शिव शंकर महादेव, सृष्टिना सर्जनहारा, उनको सर्वे को सुख देना। पूरी सृष्टि का सर्जनहार है आप, तो सृष्टि का कल्याण होना। अभी मंदिर का दर्शन कीजिए, ये मुख्य मंदिर है, माता पार्वती और शिव शंकर को, इसलिए थोड़ा दूर से, क्योंकि मना है हम लोग, ऐसा मुश्किल है यहाँ पे शूटिंग करना। ये देखिए सामने झूमर है, ये मंदिर का गुम्बद के अंदर है, बहुत बड़ा गुम्बद है, उसमें लाइटें लगी हुई है, ये झूमर है, पूरा कांच का है। देखिए यहाँ पे सामने देख, यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा को भोग लायक हुआ प्रसाद यहाँ मिलता है। ये सब प्रसाद की दुकानें अंदर है, उसकी पुस्तिका ये है जो बुके हैं। यहाँ पे सब इसका इतिहास होता है, कंकु है, अबिल है, सब कुछ है यहाँ। यहाँ पे सर, यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ है, अगरबत्ती भी है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुका वन का ये तस्वीर देखिए, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसमें जो नाग देवता, शिवलिंग और पीछे ये पार्वती। अच्छा कितने का ये? 200 रुपया। ये फोटो 200 रुपया में आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए ये ज्योतिर्लिंग की है नागेश्वर की, भाई बोल रहा है 200 रुपया प्राइस। इससे आगे भी यहाँ पे सब चीजें लगी हुई है, क्या है इसका प्राइस भाई? शिव का है, शिव का है। और क्या इसमें निशान है? हेलो, क्या निशान है इसमें भगवान शिव का? तो पता नहीं, माँ की तस्वीर है एक साइड में, और मैं ये खरीद रहा हूँ साजन, याद ही है ना। ये लीजिए भाई, ओके, ये हमने यहाँ की यादी के लिए लिया। ये सब अंदर का है, स्टोर लगा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। श्रद्धालु थोड़ा कम है आज, इसलिए हम लोगों को थोड़ा वीडियो आराम से शूट कर सकते हैं। अभी हम इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे माँ का, बड़ी माता जी मंदिर, श्री राम मंदिर, छोटी बाजार, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की ओर से सप्रेम भेंट। ये माँ का मूर्ति है, यहाँ पे प्रतिमा है। अभी ऊपर ये बड़ा त्रिशूल लगा हुआ है स्टील का, बहुत बड़ा त्रिशूल है, शिव की सब निशानियां है त्रिशूल के अंदर। फिर वहाँ महाकाली की तस्वीर लगी हुई, महा भागेश्वरी है, भले ना भाई, तो
सिद्धि माता का मंदिर, फिर माँ का दर्शन कीजिए, वागेश्वरी माँ का स्वरूप है जो हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी माता का मंदिर, राम मंदिर, छोटी बाजार, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की ओर से ये सप्रेम भेंट है। ये यहाँ पे बोर्ड है 2017 में सप्रेम भेंट किया हुआ है मंदिर को माँ की तरफ से। थोड़ा वहां से लीजिए ना, मैं भी आ जाऊंगा वहां। ये माँ का दर्शन कीजिए आप लोग घर बैठे बैठे। ये नागेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का है ये। ओके, जय नागेश्वर महादेव। हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बने रहना हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सज्जन हम लोग बता रहे हैं अंदर का जो भी और दर्शन है वो दर्शन पूरा करवाएंगे। एक दोना भी है अंदर, वह भी हम कल आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, जय नागेश्वर महादेव।